बजगाई के अगेंस्ट में कल सदर थाना में एक FIR लॉज हुआ, जिसमें उन्होंने एलिगेशन किया कि जब वो ऑफिस में थी तब दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी के 17-18 वार्ड कमिश्नर अलॉन्ग विथ अदर जैसे BP बाजगाई, त्रिलक्षण रोका, वो लोग गए थे एक तो मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए अलॉन्ग आर्म्ड विथ रॉड, कुकुरी, स्टोन्स एक्सेट्रा। तब उन लोग ऑफिस में जा करके उनका जो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो काम कर रही थी उसको ऑब्स्ट्रक्शन किया, उन लोगों को हाथापाई किया। तो अभी चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसीलिए उस केस में त्रिलक्षण रोका को अरेस्ट किया गया था। तो हम लोग आज उनका PCPR के लिए अप्लाई किए थे, 5 days PCPR फॉर रिकवरी ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन, और कौन कौन इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करने के लिए। लेकिन कोर्ट ने इंजरी रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए बोला, तो कल इंजरी रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए बोला है कोर्ट को, आयोग को डायरेक्शन दिया गया है। उसके बाद उनका रिमांड के लिए, पुलिस रिमांड के लिए कल विचार कर, तो कोर्ट विचार करेगा। तब तक उनको एक दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा। बीबी बजगाई को क्या कहेंगे? बीबी बजगाई को ये केस पहले का है जो बाई इलेक्शन MLA बाई इलेक्शन का पहले जो केस एक रजिस्टर्ड हुआ था सदर PS में, उस केस में जब नीरज जिम्बा अलॉन्ग विथ पार्टी का और सब मेंबर्स BJP के और गोजामामु बिमल गुरुंग फैक्शन का जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब वो लोग अपना पार्टी ऑफिस में झंडा लगाए थे और स्लोगन दिए थे। तो उसमें एलिगेशन है कि वो लोग आर्म्ड विथ कुकुरीज फायर आर्म्स लेकर के घुसे थे और वहाँ का 4 सिविक वॉलेंटियर्स थे, उन लोगों को मारपीट किया था। तो उसमें से एक सिविक वॉलेंटियर को चोट लगा था, सीरियस इंजरी हुआ था। तो उसमें हम लोग 5 days रिमांड मांगे थे PB बाजगाई को, कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया है, क्योंकि उसमें जब जो आर्म्स एंड एमुनेशन यूज़ किया गया और कौन कौन थे उन लोगों को पहचान के लिए, तो फॉर द रिकवरी ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन 2 दिन कोर्ट ने अलाउ किया और 1 तारीख प्रोड्यूस करने के लिए बोला बाजगाई को। थैंक यू।